हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिप्टो एम्पायर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पर BTC, WRX एंड डोजकॉइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो भी डाउट है हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए तो इग्नोर मारिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। तो अभी हम यहाँ पर BTC के चार्ट को, WRX के चार्ट को, डोजकॉइन के चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो भी डाउट है, लाइक अगर आपको एंट्री लेना है तो किस पॉइंट पर एंट्री लेना चाहिए, हमारे BTC को एग्जैक्टली किस पॉइंट पर सपोर्ट मिल सकता है, तो इस तरह के आपके जो भी डाउट है हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप के बिना एंड तक देखिए। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हमने यहाँ पर BTC का लाइव चार्ट ओपन करके रखा है। 1 घंटे चार्ट पर आपको हमारा प्राइस पैटर्न एग्जैक्टली एक चैनल को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले की डेट में आपको यहाँ पर एग्जैक्टली जो हमारा प्राइस पैटर्न है एक चैनल को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अभी आप प्रेजेंट में देख सकते हो, यहाँ पर हमारे ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन गाइज, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो जो हमारी कैंडल है बार बार में इसको हिट कर रही है, तो ये एक अच्छा साइन ही है। अगर इसको ब्रेक करती है तो आपको मोस्टली यहाँ पर 59,400 के पास में हमारा मेजर सपोर्ट जोन दिखाई देगा। गाइज, अगर आप यहाँ पर 1 डे के चार्ट में देखते हो तब आपको पता चलेगा कि 59,400 के पास में हमारा मेजर सपोर्ट जोन है। तो अगर हमारी कैंडल इसको बार बार में हिट करती है, अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो गाइज आपको हमारे यहाँ पर 59,400 के पास में हमारा यहाँ पर प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो आप यहाँ पर अल्टकॉइन में एंट्री ले सकते हो। ओके गाइज, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर WRX के चार्ट में देख सकते हो, कल की डेट में भी आपको हमने यहाँ पर WRX का चार्ट एक्सप्लेन किया था। आपको हमारे यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जैसे कि 1 to 2 डेज के लिए, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हमारी कैंडल बार बार में हमारे सपोर्ट लाइन को, इस नेक लाइन को बार बार में हिट कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में देख सकते हो, वैज आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में देख सकते हो, जो हमारी कैंडल है बार बार में इस नेक लाइन को हिट कर रही है 1.286 पे। तो अगर आपको हमारे यहाँ पर WRX में एंट्री लेना है तो आपको हमारे एग्जैक्टली BTC को फॉलो करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे यहाँ पर नेक लाइन है 1.286 पे। अगर हमारा BTC इस ट्रेलाइन पर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन गाइस, जैसे हमारा BTC अगर इसको ब्रेक करता है इस ट्रेलाइन को, तो आपको हमारा WRX का प्राइस 1.23 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1.23 पर हमारा 0.236 फिबोनाची लेवल है, साथ में हमारे यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन भी है। तो अगर आपको WRX में यहाँ पर एंट्री लेना है तो आपको ये एग्जैक्टली जोन फॉलो करना है, 1.21 से लेके 1.28। बस मैं आपको यहाँ पर 1.23 के पास में ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर हमारा BTC अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको हमारा WRX डाउन देखने को मिल सकता है। एंड अगर आपको सेल टारगेट लगाना है तो आपको हमारे यहाँ पर 0.618 फिबोनाची लेवल दिखाई दे रहा है 1.41 पे। उसके बाद में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेल टारगेट लगाना चाहते हो तो आपको 1.58 पर हमारा मेजर रेजिस्टेंस लाइन दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग सेल टारगेट लगाना है। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों आप यहाँ पर 1.41 पर लगा सकते हो। एंड अगर आप 1 to 2 वीक के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1.58 पर सेल टारगेट लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर WRX में एंट्री लेना है तो 1.21 पर आपको हमारा मेजर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री रखना है। थोड़ा सा इससे अबो आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट रखना है। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर डोजकॉइन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर डोजकॉइन का लाइव चार्ट ओपन करके रखा है 4 घंटे चार्ट पर। हमने 2-3 दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि आपको 0.245 पर हमारा रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पर सेल टारगेट लगाना चाहते हो तो आप इस एरिया के अकॉर्डिंग सेल टारगेट लगा सकते हो। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा प्राइस पैटर्न एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन लेके अभी डाउन आ रहा है। अभी आपको यहाँ पर हमारा प्राइस दिखाई दे रहा है 0.236 पे। तो अगर आपने हमारे बताए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल किया है तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर प्रॉफिट में हो, क्योंकि अगेन आपको यहाँ पर डाउन में एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो अभी अगर आप यहाँ पर डोजकॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको हमारे यहाँ पर 0.382 फिबोनाची लेवल दिखाई देगा 0.224 पर। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इन आपको हमारा सपोर्ट जोन दिखाई देगा 0.215 पर, तो सेकेंड एंट्री पॉइंट आप यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन गाइस, जहाँ तक मेरा आइडिया, आपको 0.215 तक नहीं मिलने वाला। तो अगर आप यहाँ पर डोजकॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर रख सकते हो 0.224 पर। उसके बाद में आप यहाँ पर सेकेंड एंट्री थोड़ा अमाउंट यहाँ पर बचा के रख सकते हो 0.215 के अकॉर्डिंग। इन अगर आपको सेल टारगेट लगाना है तो जैसे हमारे कैंडल क्लोजिंग 1 घंटे चार्ट ने 4 घंटे चार्ट में 0.245 से अब होती है, आप सेल टारगेट यहाँ पर लगा सकते हो 0.26 पे।
क्योंकि गाइस जैसे हमारे कैंडल है क्लोजिंग 1/4 टाइम 4/4 चार्ट में, अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करती है एंड अगर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के टारगेट यहाँ पर सेट करते हो तो आप यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। क्योंकि गाइस जैसे हमारा BTC इस एरिया में यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक लेता है, आपको अल्टकॉइन में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर डोजकॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ पर 0.382 फ्यूचर लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो 0.224 पर। एंड आपको सेल टारगेट लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के 0.245 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के टारगेट सेट कर देना 0.26 पर। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का वीडियो हमारा इतना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।